चार्ट पर बिना इंडिकेटर लगाए अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप डेली बेसिस पर इस रेंज में आप 500 से 1000 पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, क्या आप बिलीव करेंगे? मोस्ट लाइकली द आंसर विल बी नो, बट द फैक्ट इज आप कर सकते हैं। अगर मार्केट एक छोटा सा रेंज में भी मूव कर रहे हैं तब भी आप डेली ऑन एन एवरेज 400 से 1000 पॉइंट तक आप जनरेट कर सकते हो। अभी तक पुलबैक ट्रेंड इंडिकेटर को आप मार्केट में डबल कंफर्मेशन ट्रेड लेते थे, जहां पर हाई के साथ डाउन रेड एरो है वहां पर आप पुट साइड पर एंट्री करते थे, जहां पर लो सिग्नल के साथ अप ग्रीन एरो है आप बाय साइड पर एंट्री लेते थे, एंड जहां पे सिर्फ सिंगल एरोज है ये हमारा सिंगल कंफर्मेशन है। पुलबैक ट्रेंड इंडिकेटर में एक और हिडन इंडिकेटर है जो कि नैरो रेंज है। इस नैरो रेंज इंडिकेटर को आप लाइव मार्केट में डेली यूज करके 500 से 1000 पॉइंट तक बना सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज का ही एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर रफली मोटा मोटा 600 पॉइंट्स जनरेट हुआ है। पुलबैक ट्रेंड इंडिकेटर पर नैरो रेंज बैंड पर आप सिंगल कंफर्मेशन पर भी मार्केट पर एंट्री ले सकते हैं। डाउन एरो की सिग्नल मिल रहा है एंड प्राइस अपर बैंड को छू के रिवर्स कर रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, इस प्राइस की लो ब्रेक होते ही हम पुट साइड पर एंट्री करेंगे एंड हमारे जो टारगेट होगा लोअर बैंड तक होगा, उसके बाद अप ग्रीन एरो, बट यहां पर हम एंट्री नहीं करेंगे। जिनको रिक्स लेना है वो एंट्री कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा सेफ ट्रेड लेना है वो यहां पे थोड़ा सा रुक जाएंगे। इसके पीछे 3 मेन रीजन है। 1, यहां पर कैंडल की साइज काफी बड़ा है यानी स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। 2nd इज सिग्नल की हाई या लो ब्रेक होने पर आपको कम से कम 4 सेकेंड का बफर देना है। यहां पर देखिए 4 सेकेंड्स में आप देख सकते हैं 4 सेकेंड में प्राइस वापस नीचे आ गया। अगर 4 सेकेंड बाद भी प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप ट्रेड पर एंट्री लेंगे। एंड 3rd, अगर आप यहां पर एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट ये अपर बैंड तक होगा जो कि काफी छोटा है स्टॉप लॉस के मुकाबले। आप वेट करो कब प्राइस दोबारा इस लेवल के आसपास आए तब आप मार्केट में दोबारा एंट्री करना, बट हाँ आपको ध्यान देना है कि प्राइस बैंड से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, तो आप दोबारा यहां पर ट्रेड पर एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा इस बैंड की लो होगा आपका SL, ट्रेड पर एंट्री होते ही आप इस लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं। ग्रीन सिग्नल, बट ये कैंडल मोस्टली बैंड के बाहर है, इग्नोर। फिर इस ग्रीन सिग्नल पर देखिए कैंडल भी बैंड के अंदर है, तो इसका हाई ब्रेक होते ही बाय साइड पर एंट्री करेंगे एंड यहां पर होगा हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल की लो जो कि बैंड के थोड़ा सा नीचे भी है। आर टारगेट विल बी टिल दी अपर बैंड, अगेन डाउन एरो, बट सिग्नल कैंडल की लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर से डाउन एरो। अब यहां पर देखिए ये कैंडल एक इनडिसिशन कैंडल है। जब हमें अपसाइड या डाउनसाइड की सिग्नल मिलता है वो हमेशा इस तरीके का कैंडल होगा जो कि हम स्ट्रांग कैंडल, जिसे हम स्ट्रांग कैंडल बोलते हैं। यहां पर आप एक ही कंडीशन में एंट्री कर सकते हैं, जिनको रिक्स लेना है वो इसकी लो ब्रेक होते ही एंट्री कर सकते हैं, बट जिनको थोड़ा सा सेफ ट्रेड लेना है वो इस लेवल पर एंट्री कर पाएंगे। तो जिन्होंने यहां पर, जो रिस्की ट्रेडर है जिन्होंने यहां पर ट्रेड लिया, उनको यहां तक एक काफी अच्छा ट्रेड मिल गया। डाउन सिग्नल, इस कैंडल की लो टूटते ही पुट साइड पर एंट्री करेंगे। जब आप ऑप्शंस पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमेशा 200 पॉइंट इन द मनी ऑप्शंस पर ट्रेड लेना, ITM, एंड हमारा टारगेट यहां तक होगा। तो अगर आप आज का ही दिन देखेंगे, इस ट्रेड पर 100 पॉइंट्स, इस सिग्नल पर ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स, अनदर 100 पॉइंट्स एंड ऑन दिस सिग्नल अनदर 120 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स के आसपास। पुलबैक नैरो रेंज नॉन रिपेंट इंडिकेटर है, आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। प्रीवियस डे का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 1000 से 1200 पॉइंट एक ही दिन में जनरेट किया है। इस छोटी रेंज में भी आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड ले सकते हैं, वो भी छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। ऑप्शन में केवल 6 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तो काफी छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड ले पाएंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ।
अगर अभी तक आपने पुलबैक ट्रेंड इंडिकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा।